अरे मैडम, आप मैडम तो मैडम, पर थारे चेहरे पे हवाइयां की उड़ गई, तोते की उड़ गए थारे। कौन है तू? अरे वो मैं मैडम, मैं कौन है? बता दूं मैडम, मैं इस हॉस्टल का वार्डन हूँ, मद्रास मिश्रा, कमर कोयम्बटूर है। क्या तुम्हारा नाम मद्रास है? तो तुम्हारे डैडी का क्या नाम है? कर्नाटका, और मम्मी का ऊटी। अरे नहीं नहीं मम्मी का नाम है बरेली, पापा का जबलपुर, भाई का भोपाल और बहन का झांसी। और बीवी का इतारसी। पत्नी का नाम है कटनी, सासू माता का मैहर, और ससुर जी का सतना, और साले का पटना। वाओ, और साली का व्हाट इज द नेम इज द कानपुर में ट्रैफिक जैम इज द कैरी ऑन। ये जूते चोरी के? चोरी के हैं। तेरे चुराए? लीजिए मैडम लीजिए, इसने तो सामने से कबूल कर लिया कि इसी ने जूता चुराया है, यानी कि वो तरुण और वरुण सच कह रहे थे, उस तरुण का जूता चुराया गया था। बस अब तो ये केस आईने और मेरे दांतों की तरह साफ है। जो मुलजिम है वो हमारी आंखों के सामने खड़ा है, और कटघरे में खड़ा होकर ये हमें बता रहा है कि मुलजिम। यार जो होनी थी पुलिस की नौकरी तो वकील ही बनना था ना। हमेशा जो है जब वकील तो जा सनी देओल के पास ट्रेनिंग ले, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये हमारे सर पे नाचने के लिए आ रखे हैं, खड़े हो गए। क्यों चुराया तने जूते? ये जूते मैंने चुराया मैडम, वो क्या है ना, मंदिर के सामने हो या मस्जिद के सामने, सुनसान सड़क पे हो या बिजली की कड़क पे, मुझे कहीं पे भी जूते दिख जाते हैं तो मैं पागल हो जाता हूँ और जूते को चुरा लेता हूँ। मैडम मेरे पिताजी श्री जबलपुर जी ने मुझे कभी स्पोर्ट्स के जूते खरीद के नहीं दिए। Well, तब तो तूने ही ये जूता होगा चुराया इस दा, मुझे देख के पड़ोसन का कुत्ता गुर्राया इस दा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो चमड़े के जूते हैं, मैं चमड़े के जूते नहीं चुराता। अरे मुझे चमड़े से नफरत है। ए, 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 मैडम ये बहाने बना रहे, अगर तुमने नहीं चुराया जूता तो किसने चुराया? मैडम मैंने बोला ना, मैं तैने नहीं चुराए तो किसने चुराए जूता? और तुम इधर आओ चपड़ासी साहब, के सुन रहा था के कर रहा बोल। मैडम मैडम मैं खंडाला जाऊंगा अपनी रानी के साथ। खंडाला जाएगा? चल जेल चल 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 चल। मैंने बता दो मैडम, बता दो, वो तरुण जी का जूता है ना, मैंने ही चुराया था। और शास्त्री जी के घर के पास जो कच्चा रास्ता जाता है वहां मैंने फेंक दिया था। ये क्यों किया तुमने? क्यों? मैं मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो एक फोन आया था और पैसा दिया था, बोला ये काम करो, मैंने कर दिया। हाँ? उसमें आगे का मुझे कुछ मालूम नहीं मैडम, सच्ची कहता हूँ। ये जो कोई भी है तो कॉलेज का ही आदमी है, उसे बेरा था कि शास्त्री जी ने तरुण और वरुण को रस्टिकेट करने की धमकी दी है। आज से तुम दोनों को मेरी कॉलेज से रस्टिकेट किया जाता है, इसलिए उसने वो काम करवाया जूते वूते फेंकवाने का, ताकि इल्जाम वो तरुण पे आए। पर ये है कौन यार? ये काम करो, वो शास्त्री जी की छोरी ने बुलवाओ डॉक्टर ने चौकी में। ओ बिल्लू। वेल ब्रो, तुम हो नए रंगरूट इज द, जल्दी करो हमें सलूट इज द। सिर्फ देख क्या रहे हो? यहाँ पर तुम्हारे दो सीनियर अफसर खड़े हैं और तुम बैठे हो, ऊपर से ऐठे हो। छोटू, नन्ने, चोरी का माल कहाँ है? कौन सी चोरी का माल? अरे हीरो की चोरी जो हम तीनों ने मिलके की थी ना। वेल, अब नहीं होता ये बर्दाश्त इसका, इसकी तो फिर से चली गई है याददाश्त इसका। अच्छा अब समझ में आया मुझे, तुम दोनों मिलके सारा माल अकेले अकेले हड़प कर देना चाहते हो ना। लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा और पुलिस को जाके सब बक दूंगा कि हमने कैसे चोरी की है। भाई साहब, सिस्टर, यहाँ आसपास कोई चौकी है? जैन, क्यों?
क्यों तेरे उस घर में जन्म लिया जिस घर की बेटी हमारे कमिश्नर से ब्याह गई? क्यों है तू कमिश्नर का साला यार? लड़की कहाँ है? वाह मैडम, वो टीना जो है वो अभी बालकनी में खड़ी होगी, और जो सुप्रिया है मैडम वो अभी किराने की दुकान पे गई होगी अपना सामान खरीदने के लिए, और वो जो स्वीटी है मैडम वो तो ब्यूटी पार्लर का टाइम हुआ है, अभी ब्यूटी पार्लर गई। थारे मोहल्ले की 36 छोरियां नहीं, प्रोफेसर की जो एक छोरी है वो कहाँ? मैडम 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 मैडम, मैं हूँ रीना, आई लव कांचा चीना 12 महीनों में। मैडम आपने मुझे बुलाया, क्या हुआ? वो तरुण वरुण और मेरे डैडी का कुछ पता चला? बताइए ना मैडम, कुछ हुआ क्या? वेल बेबी, एक टाइम में एक ही पूछना चाहिए सवाल, इस दा लपी दे गुत काली काली ते गोरे गोरे गाल इस दा। कैरी ऑन। सुनो भाई कटरीना, पॉइंट पर आते हैं। तुम्हारे डैडी के पास कोई मोबाइल शोबाइल था जिसे हम उन्हें ट्रेस कर सके? नहीं नहीं, मेरे डैडी तो मोबाइल फिल्म टीवी इन सब से दूर रहते थे 12 महीने में। तो किसके पास रहते थे? मेरे कहने का मतलब है कि क्यों ऐसे दूर? क्योंकि वो रिसर्च करते थे, मेडिकल रिसर्च, और रात दिन उसी में ही खोए रहते थे। रिसर्च कहाँ करते थे? और रिसर्च अपने घर में। इसके घर जाके लैब देखनी होगी। हाँ बताओ भाई, कहाँ है तुम्हारा लेबोरेटरी? हमें तो कोई लैब दिख ही नहीं रहा। अरे आप लोग वो अलमारी देख रहे हैं 12 महीनों में? अलमारी तो देख रहे, मतलब क्या तुम्हारे पिताजी यानी कि प्रोफेसर साहब अलमारी में बैठ के अपनी रिसर्च किया करते थे? चंपा जरा एक कप चाय बना लाओ। भूला। अदरक ज्यादा डालना और चीनी कम। सर ये चंपा ये क्या बदतमीजी है ये? अबे बदतमीज, कैसी बात कर रहे हो बे? रामू क्या मियां बीबी का झगड़ा रोज सुनते हो तुम यहाँ? जाओ देखो बाहर भजिया वाले ने गरम भजिया बनाए होंगे, लेके आओ, मैं खाऊंगा चाय के साथ। रामू चंपा जाओ चाय बना। पिलाते पिलाते भजिया खिलाते इधर। दीदी को बोल दूंगा। अबे जिसको बोलना है बोल बे जाकर, हमें रामू बुलाया, हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, पंगा ना ले हमसे तू। वेल सर मत भूलिए, ये है कमिश्नर साहब का साला इज्दा, कहीं लग ना जाए आपकी नौकरी की दुकान को ताला इज्दा। हमें धमकी दे रहा है, उसका साइड ले रहा है। नाच नाच तू पहले नाच, ठुमका लगा पहले। और सुन सर, दीदी दी ना कर। अरे सर एक मिनट, आप मेरे साथ चलिए तो सही। आई कहाँ जा रहे हैं सर? अब इसके अंदर जाइए आप। अंदर अलमारी के अंदर जाके हैंगर में लटक जाए हम? अरे सर जाइए तो सही एक बार। सर ये इसके अंदर जा जा वो। अबे ये कबर्ड के अंदर तो पूरा लेबोरेटरी भरा हुआ है बे। सुनो ये टेबल तुम्हारे डैडी का मेन टेबल? हाँ। तो यहाँ जो लिखा होगा बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट होगा, तुम्हारे डैडी की हैंडराइटिंग है ये? हाँ हैंडराइटिंग तो मेरे डैडी की है, लेकिन इसमें लिखा क्या ये मुझे नहीं पता। ये तो किसी दूसरे रिसर्चर को ही पता होगा। गोपी पता ना? Well, excuse me ladies and gentlemen, one moment please. Sorry. अरे तुम्हारे पापा जिस कॉलेज में पढ़ाते थे या पढ़ाते हैं वो अतर्रा कॉलेज, उसमें कोई और प्रोफेसर है जो ये सब जरा पढ़ के हमें बताए इसमें लिखा क्या है? हाँ मेरे डैडी के एक दोस्त है सिल्वर मेडलिस्ट। यस। प्रोफेसर दुष्यंत। प्रोफेसर दुष्यंत ठीक है। Thank you.
चाय बोलो चाय गरम चाय मसालेदार चाय बोलो। एक यो फंदा डाल गए कमिश्नर साहब हमारे गले में। अबे इसे चाय लाने को कहा था सुबह सुबह, ये खुद चाय वाला बन गया यहाँ पर। अरे मेंढक की आंखों वाले। Well, और कितनी लकी की देर इस दा, बेरियों के पक गए हैं बेर इस दा। तो ऐसा क्या लिखा है इसमें जो इतनी देर से गौर से पढ़ रहे हो और आगे ही नहीं बढ़ रहे हो? देखिए मैडम, ये जो कागज है ना मैडम, वो ये बता रहे हैं कि ये जरूर वो रिसर्च है कि जिसको करने से कैंसर जैसी बीमारी की दवा बनाई जा सके और उस बीमारी को दूर किया जा सके। तो मैडम ये मुझको ये लगता है कि शास्त्री जी ने ये फार्मूला बना लिया। मैडम जी ये भी हो सकता है कि इस फार्मूला को पाने के लिए किसी ने उनका किडनैप कर लिया हो। मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूं। ठाकुर साहब बरात वापस मत ले जाओ। एक बूढ़े लाचार बाप की इज्जत की धज्जियां मत उड़ाइए ठाकुर साहब। बरात वापस मत ले जाइए, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी ठाकुर साहब। सुधा समझाओ समती जी को। हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी सुधा। बुआ जी आप कुछ बोलती क्यों नहीं है बुआ जी? चलो फॉर्मूला तो बना दिया, लेकिन हमें पता कैसे चला कि फॉर्मूला है कहाँ? एक मिनट, मैं बताती हूँ। जरूर वो फॉर्मूला उस लैपटॉप में है। मैडम अगर ऐसा है तो फिर तो हमें लैपटॉप को बाहर निकाल के उनके घर में रख देना चाहिए, फिर वो आएगा। लैपटॉप निकाल के जो है उनके हाल में रख दो और वेट करो, कोई ना कोई तो आएगा। मालिश, तेल मालिश, चंपे गरम तेल, चंपे मालिश मालिश, तेल मालिश, तेल मालिश, मालिश मालिश मालिश, तेल मालिश, गरम मालिश, तेल मालिश, चंपे। मालिश मालिश, तेल मालिश। सीधा बैठिए साहब, गर्दन टूट जाएगा ऐसे में हिलेंगे तो। मालिश मालिश, तेल मालिश। अरे भैया मालिश वाले आना जरा। आओ मैडम। यार रात की ड्यूटी, बंदे ने 100 काम करने होते हैं। क्या काम? ये काम है या? बहुत खतरनाक मुजरिम है, बहुत खतरनाक। कुछ हथियार हथियार लाए हो तुम? दो पोप ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग को कहाँ मिलती है सर ना? आपके पास है ना सर, बचा लेना मुझे भी। दीदी से जाकर के ना। गला सूख रहा है, ये तो कोई बच्चा लग रहा है गोपी। हाय, तो बच्चा है सर कोई? छोटी अमिता बच्चन, तुम हो जिसने प्रोफेसर शास्त्री का किडनैप किया है? Yes! नहीं 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 नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो क्या है, जब मुझे पता चला कि प्रोफेसर शास्त्री की पूरी जिंदगी की मेहनत का फॉर्मूला इस लैपटॉप में है, तो मैं ये लैपटॉप लेने चली आई। बस वो क्या है, मैं नहीं चाहती थी कि प्रोफेसर शास्त्री की कड़ी मेहनत का फॉर्मूला गलत हाथों में जाए। ब्रो,
सर शी इज कमिंग सर सर लगता है रीना को किसी ने किडनैप कर लिया है सर ओह माय गॉड किसने किया है ये काम इस दा तुरंत करो मम्मी जी को इन्फॉर्म इस दा मैं हूँ रीना आई लव कांचा चीना डैडी कॉकरोच काट गया है रीना बिल्कुल चिंता मत करो मैं कुछ करता हूँ तुम्हारा बाप अभी जिंदा है अरे अरे तेरी दुश्मनी मेरे साथ है ना तो मेरी बेटी को क्यों किडनैप किया तूने कॉकरोच काट गया अरे ओ प्रोफेसर शास्त्री अरे हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है अरे हमने तुमको कितना टॉर्चर किया पर तुमने हमें ये नहीं बताया कि वो फार्मूला क्या जो मुझे चाहिए प्रोफेसर शास्त्री अब तुम बोलते हो या तुम्हारी बेटी नहीं 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 मेरी बेटी रीना को कुछ मत करना प्लीज मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये तुम होगे कॉकरोच काट गया प्रोफेसर शास्त्री हाँ प्रोफेसर शास्त्री मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूं और तुम गोल्ड मेडलिस्ट तुम हमेशा हमसे एक कदम आगे रहते थे लेकिन अब ये फार्मूला हम बेचेंगे और वो भी अपने नाम पर अब ये बताओ तुम ये फार्मूला हमें बताते हो या हम तुम्हारी बेटी को उड़ा देते हो अरे ऐसे कैसे प्रोफेसर दुष्यंत तैने सुना ना है जाको राके साइयां मार सके ना कोई प्रोफेसर दुष्यंत यू आर अंडर अरेस्ट लेकिन मैडम आप यहां तक पहुंची कैसे अबे ऐसा है मैंने एक जाल बिछाया था जिसमें तू फंस गया आसानी से मैंने जो है ना कई लोगों के सामने बोला था कि भाई प्रोफेसर शास्त्री का अमूल्य लैपटॉप जिसमें वो फार्मूला छुपा है वो पुलिस की निगरानी में रहेगा और अगर कोई चीज पुलिस की निगरानी में रहेगा तो उसकी हिम्मत तो नहीं होगी ना हमारे सामने आकर लैपटॉप छीनने की या ले जाने की और रहा ये प्रोफेसर ये तो अपनी जान दे देगा लेकिन बताएगा नहीं लैपटॉप का है या फॉर्मूला क्या है तो बची कौन बची ये बच्ची बची बची प्रोफेसर साहब की कमजोरी यानी कि उनकी बेटी हाँ और मुन्ने बेरा था कि किडनैपर कोई ना कोई घटिया छोटी हरकत जरूर करेगा बेचारी बच्ची को किडनैप कर लेगा जिससे बाप जो है इमोशनल ब्लैकमेल हो जावे और फॉर्मूला बता देवे मैम ये तो बात समझ में आई कि बेटी किडनैप होगी लेकिन किडनैप होकर यहाँ पर होगी ये कैसे पता चला आपको अरे इसकी जो ये दो चुटिया है ना इनमें से एक में मैंने एक क्लिप यानी कि एक चिप यानी कि एक जो है ट्रांसमीटर छुपा दिया था भाई उससे इसकी लोकेशन ट्रेस हो गई वैसे आजकल यार टेक्नोलॉजी कैन डू वंडर्स लोगों को लगता है कि पुलिस पिछड़ी हुई है ऐसा है कोई ना पुलिस इज क्वाइट एडवांस एज यू कैन सी अरे प्रोफेसर साहब अब थैंक यू तो बोल रहे हो मैडम को अरे हाँ 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 थैंक यू वेरी मच मैडम कॉकरोच काट गया वेल कॉकरोच गया काट इज द अब खड़ी होगी इनकी काट इज द